हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आलू शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी चटपटी मसालेदार सब्जी बना करके रेडी करेंगे। और ये सब्जी आप गर्मा गर्म पूरी पराठे के साथ सर्व करें तो क्या कहने। तो सब्जी की वीडियो अगर आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही मेरी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने 2 शिमला मिर्च ले लिया है फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और इसके बीज के सारे पार्ट्स को हम हटा देंगे, बीज को भी हम सारा निकाल देंगे इसमें से, और लंबाई में इसे काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं काट रही हूँ, तो बीज सारे आपको हटा देने हैं। तो इस तरीके से शिमला मिर्च को काट करके हम रेडी कर लेंगे। पहले दूसरे शिमला मिर्च के बीज को भी हम हटा देंगे और लंबाई में काट लेंगे। तो सारी शिमला मिर्च लंबाई में कट गई है। अब जो लंबाई के पीसेस है, इसमें से हमें 1 या 2 पीसेस करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो ज़्यादा बड़े हैं उनमें से आप 3 भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर पीसेस में शिमला मिर्च हमें काट करके रेडी कर लेनी है। तो सारी शिमला मिर्च हमारी कट करके रेडी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 उबले हुए आलू स्क्वायर पीसेस में काट लिए हैं, 2 टमाटर लिया है स्क्वायर पीसेस में कटा हुआ, और 1 प्याज है। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने उसके अलग अलग पार्ट्स कर लिए हैं। और 3 हरी मिर्च थी, यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, यानी आधा चम्मच। तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें सारी शिमला मिर्च को हम डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप शिमला मिर्च बना करके देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही चटपटी सी सब्जी बन करके तैयार होती है। तो 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिमला मिर्च का कलर हल्का सा चेंज होने लग गया है फ्रेंड्स, और हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आने लग गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे कलछी को साइड में लगाते हुए। और ये देखिए शिमला मिर्च हमारी रेडी है। तो उसी कढ़ाई में दोबारा से थोड़ा सा तेल और डाल देंगे, यानी कि 1 बड़ा चम्मच। तो तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे, क्योंकि तेल हमारा सरसों का है, इसलिए अच्छी तरह से गर्म हो जाने दें। 1 तेज़पत्ता डाल दिया, साथ ही थोड़ा सा जीरा डाल दिया हमने। दोनों चीज़ें अच्छी तरह से तड़क गई हैं, तो इसमें हम प्याज जो हमने स्क्वायर पीसेस में काटे थे वो हम डाल देंगे। और ये सारा प्रोसीजर फ्रेंड्स आपको मीडियम फ्लेम पर ही करना है। तो इसको प्याज को लाइट गोल्डन कर लेंगे, लाइट गोल्डन हो गई है तो हरी मिर्च भी साथ साथ हमने डाल दिया है इसमें, इसको भी हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ें हल्की सी भून गई हैं फ्रेंड्स, प्याज में हल्की सी लालिमा आ गई है, ये देखिए। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर हमने डाल दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर फ्लेम को हमें स्लो कर लेना है, और स्लो फ्लेम पर हमें डालने हैं इसमें कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर लिया है, सभी आधा आधा चम्मच है फ्रेंड्स हमने डाल दिया। और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। तो ये सभी चीज़ें हमें स्लो फ्लेम पर भून लेना है, और जरा सा इसमें हल्का सा 2 चम्मच पानी डाल देना है, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, बिल्कुल जरा सा पानी इसमें डाल करके हमें अच्छी तरह से मसालों को भून लेना है, और टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेने हैं, जब तक कि मसाले में से तेल सेपरेट ना होने लग जाए। तो यहाँ पर तेल सेपरेट होने लग गया है, मसाला अच्छी तरह से भून गया है, तो हमने आलू डाल दिया। तो आलू को हमें अच्छी तरह से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेना है फ्रेंड्स, ये देखिए। और साथ ही अब डाल देंगे हम शिमला मिर्च। तो फ्रेंड्स, यहीं पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो लास्ट का प्रोसीजर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर सब्जी को अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है फ्रेंड्स, ताकि मसालों की जो कोटिंग है वो आलू के ऊपर अच्छी तरह से आ जाए। बहुत ही अच्छी तरह से मसालों की कोटिंग आलू के ऊपर आएगी, और देख सकते हैं जो तेल है वो सेपरेट होने लग जाएगा। तो इसे हाई फ्लेम पर हमें 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेना है फ्रेंड्स। और सब्जी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। इस सब्जी को आप पूरी पराठे के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो क्या कहने। देखिए तेल सेपरेट होने लग गया है यहाँ पर। तो सब्जी हमारी बन करके रेडी है फ्रेंड्स। मसालों आलू के ऊपर मसालों की कोटिंग आ चुकी है, इसमें धनिया डाल देंगे अब हम, और बहुत ही चटपटी मसालेदार सब्जी हमारी बन करके तैयार है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।